गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के जो आपका फुटप्रिंट्स है उसका लेसन नंबर 1, जिसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ दी सर्जरी। ठीक है ना, जिसके अंदर जो है मेन कैरेक्टर मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी, और इसके अलावा वो जो वेट डॉक्टर हैं उनके बारे में जो है पूरा का पूरा है, और ट्रिकी को लेकर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, और इससे जो आपका कंप्लीटली चैप्टर का एक अच्छा रिविजन हो जाएगा, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पम्फ्रे क्या, मतलब मिसेस पम्फ्रे के अकॉर्डिंग उन्हें क्या लगता है कि ट्रिकी को क्या हो गया है। ऑप्शन है आपका डायरिया, मल न्यूट्रिशन, एलर्जी, ऑल ऑफ दी अबव। मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता है कि ट्रिकी को जो है ना मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया, उसको कम खाना पीना मिल रहा है, जबकि होता एग्जैक्टली इसका उल्टा ही है। नेक्स्ट उस क्वेश्चन है, व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल हु डिड मिसेस पम्फ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल। जब ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो मिसेस पम्फ्रे ने किसको कॉल किया, ठीक है ना, तो उन्होंने एक जानवर के डॉक्टर जिनका नाम मिस्टर हैरियट है उनको कॉल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस मिसेस पम्फ्रे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे को डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया जो कि ट्रिकी की मतलब मालकिन थी, और ट्रिकी कौन है, एक पेट डॉग है। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था, डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि जितनी भी आप मीठी चीज़ें देते हो उसको क्या करो, कट डाउन करो, तब जो है जाकर ये थोड़ा ठीक हो पाएगा। नेक्स्ट है, डिड मिसेस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज। क्या मिसेस पम्फ्रे ने जो है मिठाई खिलाने में कमी की जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस किया था। तो आंसर इसका क्या है, सी, ओनली फॉर अ वाइल। कुछ दिन तक तो किया, लेकिन दोबारा से खाना पीना जो है उसी तरीके से स्टार्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे फीड ट्रिकी एवरी नाइट। मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी को हर रात क्या खिलाती थी, माल्ट, कोड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को खिलाती थी, क्योंकि उनका खुद का बच्चा तो था नहीं, वो ट्रिकी को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती थी, और उसे इतना ज़्यादा खिलाती थी कि ओवर ईटिंग की वजह से ही उसकी जो है ना तबीयत खराब हुई थी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज डिट्रॉइटिंग हेल्थ। जो ट्रिकी की हेल्थ एकदम ख़राब होती जा रही थी उसके पीछे क्या रीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल था। पहला तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रहा था, एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं था, फिजिकल मूवमेंट होता नहीं था, पूरे टाइम पड़ा रहता था। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ट्रिकी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट क्यों कराया गया, ठीक है, ट्रिकी को हॉस्पिटल में तब एडमिट कराया गया जब वो खाना पीना बंद कर देता है और उल्टियां करना शुरू कर देता है। सेवंथ का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ट्रिकी द पेट डॉग डू ऑल डे। ट्रिकी जो है, जो कि एक पालतू कुत्ता है, वो पूरे दिन क्या करता है, पूरे दिन जो है ना वो पड़ा रहता है, केप्ट लाइंग ऑन दी कारपेट। तो एट्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करो, क्या वो लविंग थी, ओवरडूइंग थी, इंटेलिजेंट थी, या फिर रेशनल थी। तो मिसेस पम्फ्रे को डिस्क्राइब करना पड़ेगा यहाँ पर ओवरडूइंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है उसको मतलब जो चीज़ें नहीं भी करनी चाहिए वो चीज़ें भी वो करती थी ट्रिकी के लिए, ठीक है ना। तो नाइन्थ का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट। ट्रिकी की मेन गलती क्या थी। ट्रिकी जो है बहुत लालची था, उसको जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता था खा जाता था और पड़ा रहता था। तो मेनली जो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैरियट ट्रिकी लुक्ड लाइक। मिस्टर हैरियट के अकॉर्डिंग ट्रिकी किस तरीके का दिखता था। तो ट्रिकी जो एकदम सॉसेज की तरह दिखता था, एक मोटा मांस वाला जो डॉगी इस टाइप से जो है उसका पूरा लुक हो गया था। तो इलेवंथ का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर ट्रिकीज फेवरेट थिंग। ट्रिकी का सबसे फेवरेट चीज़ क्या हुआ, मतलब क्या होता है। तो ट्रिकी जो है ना सबसे ज़्यादा फेवरेट जो उसका है क्या है, केक्स है और चॉकलेट्स है, जो कि मिसेस पम्फ्रे उसे बहुत ज़्यादा खिलाती भी थी और वो उसका फेवरेट भी था, ठीक है ना। ट्वेल्थ का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, वाई इज़ द नरेटर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब नरेटर जो है ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने मतलब क्यों रखना चाहता है। रखने का रीज़न ये है क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है जब तक जो है ट्रिकी वहाँ पर रहता है जहाँ पर जो है डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं, तो मिसेस पम्फ्रे हमेशा अपने डॉग ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन, ब्रांडी ये सब भेजा करती थी। लेकिन डॉक्टर कभी भी, जो मिस्टर हैरियट है वो कभी भी डॉगी को नहीं देते थे, उन लोग खुद ही खा जाते थे। तो आपका जो है यही चीज़ उन्हें अटेम्प्ट करती थी कि दैट दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। तो 13 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ डिड दी स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे ओवरडूइंग। मिसेस पम्फ्रे का जो ओवरडूइंग की वजह से स्टाफ को क्या बेनिफिट मिलता था। स्टाफ को जो है ब्रेकफास्ट में एग मिल जाता था, लंच में वाइन मिल जाता था, डिनर में ब्रांडी मिल जाता था, और ये सब कुछ आता किसके लिए था, ट्रिकी के लिए। लेकिन ये मिलता किसको था, सारे स्टाफ को, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डिड दी अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, और जो वहाँ पे डॉग्स होते हैं वो ट्रिकी को इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रिकी को जिस टाइम पे ले जाया जाता है उस टाइम पे वो बहुत बोरिंग, बहुत ही डल सा होता है, तो और डॉगी को क्या लगता है कि ये एक एकदम अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए वो इसको उसको जो है बुरी तरीके से इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नरेटर रेफर टू ट्रिकी इन ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, नरेटर जो है ट्रिकी को किस तरीके से रेफर करता है और जो डॉग के ग्रुप में, वो क्या बोलता है कि इट इज़ अ सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, तो 16 का आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अदर डॉग्स बिहेव विद ट्रिकी, ट्रिकी के साथ दूसरे डॉग किस तरीके का जो है बिहेव करते हैं, तो शुरू में तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, दो दिन तो उसको खाना पीना भी नहीं देते हैं, और फिर वो भी जो है धीरे धीरे वो सारे मूवमेंट करने लगता है जो कि और सारे डॉग्स करते हैं, तो फिर वो जो अदर डॉग्स हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए मेंबर ऑफ दी गैंग, तो आपका 17 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी डेज डज द नरेटर कीप एन आई ऑन द डॉग टू गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कितने दिनों तक नरेटर जो है उस पर नज़र रखता है कि डॉगी को जो डॉग कौन सा डॉग ये ट्रिकी को खाना नहीं देना है लेकिन सिर्फ पानी पानी देना है, तो ये कितने दिनों के लिए फॉलो किया था, उन्होंने 2 दिनों के लिए फॉलो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेटनरी सर्जन, जो वेटनरी सर्जन यहाँ पर जो इस वाले लेसन के अंदर यूज़ किया गया है तो उनका नाम क्या है, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट वॉज मिस्टर हैरियट। नेक्स्ट है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, ये स्टेटमेंट बोला था किसने, मिस्टर हैरियट ने, तो व्हाट इज़ द क्योर, क्योर था क्या, बेसिकली क्योर क्या था कि कंट्रोल जो है ना ट्रिकी के डाइट को अगर कंट्रोल कर लिया जाए ना तो वही उसका इलाज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको खिलाती थी मिसेस पम्फ्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हैरियट सजेस्टेड मिसेस पम्फ्रे टू गेट ट्रिकी हॉस्पिटलाइज एंड कीप अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर हाउ मेनी डेज, तो मिस्टर हैरियट ने सजेस्ट किया था मिसेस पम्फ्रे को कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और एक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, कितने दिनों तक, 15 डेज तक, ठीक है ना, 21 का भी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट मेड ट्रिकी अ लिथ एंड हार्ड मसल, कि मतलब किस चीज़ ने जो है ट्रिकी को धीरे धीरे क्या थोड़ा एनर्जेटिक और हार्ड मसल जो है बना दिया जब वो वहाँ पर रहता है 15 डेज, तो क्यों होता है, क्योंकि अब उसको जो है खाना भी बैलेंस दिया जाता है और साथ में एक्सरसाइज भी करवाया जाता है, तो 22 का सी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन के बाद जो नरेटर ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रिकी जो है पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है और साथ में जो है नरेटर उन्हें ये भी पता है कि जो मिसेस पम्फ्रे कितनी ज़्यादा जो है परेशान होगी घर पे जो सफरिंग कर रही होंगी, तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, जिस वजह से 15 दिन के बाद ही वो कॉल कर देते हैं कि हाँ अब जो है ट्रिकी रिकवर हो गया है, तो आपका 23 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिसेस पम्फ्रे क्राई इन द एंड, मिसेस पम्फ्रे जो है लास्ट में जो रोती हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है, ठीक है, तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर पेट, वो जब देखती है कि मेरा पेट तो पूरी तरीके से जो है बदल चुका है और अब जो है उसकी सर्जरी बिल्कुल जो है ठीक हो चुकी है, और इसी चीज़ को जो है ना मिसेस पम्फ्रे क्या बोलती हैं कि इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ द सर्जरी, कि ये एकदम विक्ट्री है, ठीक है ना, तो 24 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ ट्रम्प ऑफ द सर्जरी, और अब ये जो लेसन है उसका ऑथर कौन है ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, दैट इज जेम्स हैरियट, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और साथ ही में एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डज द वर्ड ट्रम्प मीन इन अ ट्रम्प ऑफ द सर्जरी, ट्रम्प ऑफ द सर्जरी के अंदर ये जो वर्ड ट्रम्प है इसका क्या मीनिंग है, ये आपको जो है इन ऑप्शन में से आंसर देकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही आपको बताना है कि इतने 25 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही थे। बाकी जो है वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लेनी है ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।